नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा आपके BMW के कंप्रेसर में होता क्या है और ये काम कैसे करता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एसी कंप्रेसर काम कैसे करता है कि जो ये वाली पुली होती है रोटेट करती है बेल्ट के साथ, जो हमारी सरपेंटीन या फैन बेल्ट होती है उसके साथ ये ऐसे फ्री मूव करती है। जब हम एसी का बटन दबाएंगे तो ये क्लच इसके साथ ऐसे टाइट हो जाएगी और फिर ये दोनों साथ ऐसे घूमने लगेंगे। तो इसका मतलब है कि एसी कंप्रेसर चल रहा है। ये नट 10 मिलीमीटर का है। और ये आपकी एसी कंप्रेसर की क्लच है। तो उसके बाद हमको यहाँ पर ये मेटल की रिंग निकालनी है। और अगर आपकी एसी कंप्रेसर की मैग्नेटिक कॉइल ठीक है तो दूसरी चीज़ ख़राब होती है, वो है एक सेंसर जो कि यहाँ पर है। तो ये है BMW के कंप्रेसर का सोलेनोइड या एसी प्रेशर सोलेनोइड। ये एक सेंसर है जो कि इसके अंदर जितनी गैस घूम रही है अलग अलग पैसेजेस में, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, वो सेंस करता है कि वो कहाँ कहाँ कितनी कितनी जानी चाहिए। और मैग्नेटिक कॉइल के अलावा एक यही बहुत कॉमन चीज़ है जो फेल होती है। और मैग्नेटिक कॉइल निकालने के बाद हमें सारे साथ के साथ को निकालेंगे जो कि 8 मिलीमीटर के हैं। क्योंकि ये पुराना ख़राब कंप्रेसर था मेरी BMW का, तो मैंने इसको पूरा धोया था ताकि आप लोगों को दिखा सकूं और मेरे हाथ पूरे ब्लैक ना हो, तो इसलिए यहाँ से पानी अंदर आ गया होगा और इसलिए आपको यहाँ पर वाटर और ये स्लज सा दिख रहा है। तो कंप्रेसर खोलने के बाद हम अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर वो सोलेनोइड है, एसी प्रेशर सोलेनोइड बोलते हैं इसको। और ये जो सारे पैसेजेस होते हैं इसके अंदर, ये डिटरमाइन करता है कि कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी गैस जानी है यहाँ से। तो अगर आप वैसे खोलोगे तो यहाँ पर ऑयल जब भी होता है एसी कंप्रेसर में ल्यूब्रिकेशन के लिए। और उसके बाद हमको यहाँ पर एक ये सिंगल वैल्व मिलेगी। तो पिस्टन जब ऐसे घूमेगा तो ये वैल्व ऐसे बंद कर देगी जो गैस होगी, और जब पिस्टन दूसरी साइड घूमेगा तो ऐसे उठ जाएगा। तो जब एसी कंप्रेसर की क्लच इसके साथ जुड़ के चलेगी तो ये कंप्रेसर ऐसे चलेगा। तो आई एम श्योर ये आप लोग गैस कर सकते हो कि ये क्या है इसके अंदर, नीचे मुझे कमेंट करके बताओ। वैसे तो मुझे पता है कि 90% जो लोग देख रहे हैं उनको पता है कि ये क्या चीज़ है। और जैसे कि पहले वहाँ पर देखा था, ये भी एक वेल्व की तरह काम करेगी। जब पिस्टन्स ऐसे घूमेंगे तो ये ऐसे उठ जाएगी, और जब पिस्टन दूसरी साइड घूमेंगे तो ये ऐसे इसको सिंगल वेल्व की तरह रोक देगी। और इसकी ये लास्ट गैस्केट यहाँ पर है। तो बहुत कम लोगों ने शायद BMW की एसी कंप्रेसर को ऐसे पूरा डिसअसेंबल होते हुए देखा होगा। और अब मैं सोच रहा हूँ कि हर वीडियो के अंदर एक दो सवाल आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया करूँ ताकि आप गेस कर पाओ। तो मुझे गेस करके बताओ ये किस टाइप का कंप्रेसर है, क्योंकि बहुत टाइप के एसी कंप्रेसर आते हैं। वैसे देखा जाए तो बहुत ही सिंपल इंजीनियरिंग है इसकी, बट ऐसी चीज़ें हम रेयरली देखते हैं अपने सराउंडिंग्स में। तो मैंने सोचा था कि आप लोगों को ये अंदर से दिखाऊँ कि एसी कंप्रेसर BMW का कैसा होता है। तो क्योंकि इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा चला गया होगा तो मैं इसको पहले साफ करूंगा, उसके बाद मैं इसको वापस असेंबल करूंगा।
तो जो मैं एसी प्रेशर सोलेनोइड पीछे कह रहा था कि अलग अलग चेंबर में कितना गैस जाएगा वो डिटरमाइन करता है, तो अगर मैं यहाँ पीछे से पानी डालता हूँ तो देख सकते हो कि इस सेंसर के चारों साइड पर होल्स हैं, वहाँ से पानी आ रहा है। तो यहाँ पर अगर रेफ्रिजरेंट मतलब जो गैस होती है अगर वो हम एसी सिस्टम में डालेंगे तो ये सेंसर डिटरमाइन करेगा कि वो गैस कहाँ पर कितना जाएगी, और अगर ये सेंसर खराब होता है तो भी आपका एसी कंप्रेसर काम नहीं करेगा। तो चलो अब मैं इस एसी कंप्रेसर को वापस असेंबल करता हूँ। और अगर आप ये जब एसी प्रेशर की सोलेनोइड निकाल रहे हो और अंदर से पूरा एसी कंप्रेसर अगर हार्ट आप लगाकर देखते हो तो पूरा ब्लैक है, तो इसका मतलब है कि ये एसी कंप्रेसर खराब हो गया है। क्योंकि अगर एसी कंप्रेसर ठीक है और ये सिर्फ वेल्व खराब है, तो ये वेल्व या सोलेनोइड जब निकालेंगे हम, ऑयल का रेजिड्यू दिखेगा आपको, यहाँ पर कुछ भी ब्लैक नहीं होएगा कंप्रेसर के अंदर। और यही कारण था कि मैंने अपना सारा एसी सिस्टम कुछ महीने पहले बदला था। बट जो मेरे जैसे कार एंथुजियास्ट हैं या कार गाइज हैं, उनको ऐसे पार्ट्स देखने में काफ़ी अच्छा लगता है और डिस्प्ले पे रखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये वीडियो मैं इसलिए ही बनाई थी ताकि हम इस एसी कंप्रेसर के अंदर देख सकें कि ये कैसे कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या क्या है। और जो मैग्नेटिक कॉयल होएगी वो इसको पावर देगी, मतलब कि जो अंदर का पूरी असेंबली है वो मैग्नेटिक कॉयल से चलेगी। तो मैग्नेटिक कॉयल में पावर होगी और ये सेंसर अंदर एंगेज करेगा कि गैसेस मूव करें, और उसके बाद जैसे ही हम एसी का बटन दबाएंगे तो सारा कंप्रेसर काम करने लगता है। और इस सारे कंप्रेसर के अंदर वैसे हल्का सा ऑयल होता ही है क्योंकि इसके अंदर मूविंग पार्ट्स हैं, तो ताकि वो वेयर आउट ना हो इसलिए इसके अंदर ऑयल होएगा पिस्टन्स की साइड। तो यार ये थी वीडियो व्हाट्स इनसाइड योर बीएमडब्ल्यू एसी कंप्रेसर। तो आई होप ये वीडियो से आप कुछ सीख पाए हो। अगर वीडियो अच्छी लगी ना, ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। आप लोग ध्यान रखो अपना और अपनी गाड़ियों का, और मिलते हैं अगली वीडियो में।